Hello children, in this video we will do multiple choice questions based on data file handling in Python. So let us start with the first question. What are the binary files used for? Binary files ka kya use hai? Binary file mein kaise data ko store kiya jata hai? In the form of bytes. Okay, to binary file ka kya use hai? We used to store data in binary files in the form of bytes, in the form of stream of bytes. Okay, to jab aapko large amount of data store karna hota hai, usse aap binary files mein store kar sakte ho. Like video file, मूवी फाइल्स, ओके, ऑडियो फाइल्स, पिक्चर फाइल्स, तो वो किस टाइप की फाइल्स होती है? बाइनरी फाइल्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ओके, नाउ व्हाट इज बाइनरी फाइल मोड फॉर अपेंड? अपेंड के लिए कौन सा मोड यूज किया जाता है? जब आप बाइनरी फाइल को क्या करना चाहते हो? अपेंड करना चाहते हो. बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को अपेंड करना चाहते हो तो आप यूज करते हो ए बी, ए फॉर द अपेंड एंड बी फॉर द बाइनरी फाइल, राइट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर कॉल्ड? ये क्या पूछा जा रहा है? वो प्रोसेस जहां पे बाइट स्ट्रीम को अगेन कन्वर्ट किया जाता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, राइट? तो कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है अनपिकलिंग, राइट? पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग के अंदर आप, जैसे मैंने भी बताया, जैसे वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल को किस फॉर्म में आप स्टोर करते हो? बाइनरी फॉर्म में. तो वीडियो फाइल को आप फर्स्ट क्या कन्वर्ट करते हो? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. उस प्रोसेस को आप बोलोगे पिकलिंग, राइट? लेकिन जब आपको वीडियो देखनी है, राइट, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके पास आएगी? वो बाइट फॉर्म से ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके आपके पास आएगी, राइट? बाइट स्ट्रीम से कन्वर्ट हो जाएगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, जिससे कि आप उसे देख सको. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग, राइट? पिकलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू बाइट स्ट्रीम, राइट? एंड अनपिकलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ बाइट स्ट्रीम इंटू ओरिजिनल स्ट्रक्चर. Now, which module is used to store data into Python objects with this structure? Python का कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को किस फॉर्म में स्टोर करने के लिए? स्ट्रक्चर के साथ स्टोर करने के लिए, ठीक है? मतलब देखो यहाँ पे, which module is used to store data? कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट? इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर्म में विद द स्ट्रक्चर, मतलब डेटा भी हो और डेटा स्टोर करते टाइम उसके स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज ना आए, राइट? तो यहाँ पे पाइथन हमें प्रोवाइड करता है पिकल मॉड्यूल, राइट? इट इज यूज टू सेव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलोंग विद द डेटा, राइट? जैसे यहाँ पे पिकल मॉड्यूल की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो? पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस को कर सकते हो. पहले अगर आपको पिकलिंग करना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो बाइट स्ट्रीम में बाय यूजिंग द पिकल मॉड्यूल, फंक्शंस ऑफ द पिकल मॉड्यूल, और ऐसे ही आप अगेन उसको कन्वर्ट कर सकते हो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. ओके, तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं हम? पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं. पिकल मॉड्यूल आपको डंप एंड लोड टू फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस कर पाते हो, फाइन? नाउ व्हाट इज पिकल डॉट डंप? अभी मैंने बताया था डंप फंक्शन के बारे में. ओके, तो डंप फंक्शन का क्या यूज होता है? डंप फंक्शन इज यूज टू स्टोर द ऑब्जेक्ट डेटा टू द फाइल. डंप फंक्शन की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो. ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपका लिस्ट हो, टपल हो, कोई पाइथन का ऑब्जेक्ट हो, राइट? या फिर अभी मैंने एग्जांपल दिया था पिक्चर फाइल्स, मूवी फाइल्स, उसको फर्स्ट आप किस फॉर्म में कन्वर्ट, यहाँ पे हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइक आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, राइट? तो आप उसको किस फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो. तो यहाँ पे पिकल डॉट डंप फंक्शन का क्या यूज है? टू राइट डेटा इन द फाइल इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, अंडरस्टूड? डंप फंक्शन की हेल्प से आप फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो. ओके, उसको स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप को पिकल मॉड्यूल यूज करना है, राइट, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे? तो हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट पिकल स्टेटमेंट का यूज, राइट?
Now, which is the valid syntax to write an object onto a binary file opened in the write mode? तो यहाँ पे ये पूछा है कौन सा valid syntax है, करेक्ट syntax है data write करने के लिए binary file के अंदर, okay? जब आपकी file open है किस mode में, write mode में, fine? तो यहाँ पे आपका कौन सा syntax correct है, आपका syntax correct है A, pickle dot dump. डम फंक्शन का यूज किया जाता है डेटा को राइट करने के लिए. ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जो भी आपको ऑब्जेक्ट राइट करना है फाइल के अंदर, ओके, लिस्ट टपल जो भी आप दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट, एंड फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल, ओके. तो सिंटेक्स क्या है, पिकल डॉट डम, डम किसका फंक्शन है, पिकल मॉड्यूल का, और इसके अंदर आप क्या पास करोगे, जो डेटा आप राइट करना चाहते हो, एंड फाइल हैंडल, फाइन, ओके. नाउ Which method is used for object serialization? Pickling के process को serialization भी कहा जाता है, okay? तो यहाँ पे pickling, which method is used for object serialization? कौन सा object serialization के लिए कौन सा method use किया जाता है, pickling, right? इस पूरे process को, जो pickling का process होता है, process क्या होता है, conversion of object into bytes, okay? इसको क्या बोलते हैं, पिकलिंग प्रोसेस, और इस पिकलिंग प्रोसेस को सीरियलाइजेशन भी कहा जाता है, फाइन. नो, विच मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, राइट. राइट करने के लिए हम डंप मेथड का यूज करते हैं. ये देखो आपका डंप मेथड का यूज होता है अगर आपको बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना है, और अगर आपको क्या करना है, रीड करना है बाइनरी फाइल से डेटा को, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, आप लोड फंक्शन का यूज करोगे. Understood? Binary file के अंदर data अगर write करना है, उसमें store करना है, तो dump function का use होगा, और अगर binary file से data को read करना है, तो load function का use होगा. और load function क्या करता है, byte stream को convert कर देता है original object की form में, so that you can read that data, fine. Now, which method is used for object deserialization? Object deserialization क्या होता है, जहां पे byte stream convert हो जाती है original object के form में, और इस process को हम unpickling भी कहते हैं. तो pickling का एक दूसरा नाम serialization है, और unpickling का एक दूसरा नाम deserialization है, इसको आपको याद रखना होगा, fine. Now, which of the following is the correct syntax to read from a file using load function? Load function मतलब लोड फंक्शन का क्या यूज होता है, इससे आप डेटा को रीड करते हो बाइनरी फाइल से. तो इसका सिंटेक्स क्या है, रीड करने का सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड. लोड फंक्शन आपका किस कहां से आता है, पिकल मॉड्यूल का फंक्शन है ये, ओके. पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल, इसमें उस फाइल का आप हैंडल पास करोगे जिसको आप रीड करना चाहते हो, और रीड डेटा कहां जाके स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसमें जाके आपका रीड डेटा स्टोर हो जाएगा, जो भी आप, और आपको अगर उसको प्रिंट कराना है तो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दोगे, ओके. नाउ विच मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू राइट ऑन टू अ बाइनरी फाइल, तो इसको हमने अभी किया है, कौन सा मेथड यूज होता है बाइनरी फाइल में रिटर्न प्रोसेस के लिए, आपका डंप मेथड, और रीड करने के लिए कौन सा होता है, लोड मेथड, राइट. Which of the following file modes open a file for reading and writing both in the binary file? अगर आपको binary file को open करना है किस mode में, reading and writing, आप read भी कर सको, write भी कर सको, तो आप कौन से mode का use करोगे, कौन से access file access mode का use करोगे, आप करोगे RB plus, राइट. कौन सा मोड, आरबी प्लस, जो आपको जो बाइनरी फाइल को क्या किस मोड में ओपन करता है, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ मोड्स, राइट. Now, which of the following file modes that open a file for reading and writing both, and ऐसा कौन सा मोड है जो फाइल को ओपन करता है रीडिंग में और राइटिंग में, ठीक है, एंड ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट, और अगर फाइल पहले से ही प्रेजेंट है और उसमें पहले से ही कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जो आपने न्यू डेटा रिटर्न किया, राइट किया है, वो क्या कर देगा, प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देगा, मतलब प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा आपका आ जाएगा फाइल के अंदर, अगर आपकी पहले से फाइल है और उसमें कोई डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है और ऑलरेडी रिटर्न है, ओके. और अगर नहीं है, फाइल नहीं है, तो क्या होगा, अदरवाइज क्रिएट्स अ न्यू फाइल, तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है ये मोड, ओके. और आप उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हो, तो कौन सा होगा ये वाला मोड, आपका है
डब्ल्यू बी प्लस, राइट, ये वाला मोड। यहाँ पे आपके किस मोड में आपकी फाइल ओपन होगी, रीड एंड राइट बोथ मोड में होगी। अगर फाइल पहले से प्रेजेंट है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा न्यू डेटा से, फाइन। और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। ओके, Now, which of the following file modes will not delete the existing data in binary file? ऐसा कौन सा मोड है जो डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ओके, बाइनरी फाइल में। तो ऐसा हमारा कौन सा मोड होता है, ऐसा हमारा होता है अपेंड मोड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी, बी फॉर द बाइनरी फाइल एंड ए फॉर द अपेंड मोड, राइट। अगर आप अपेंड मोड में अपनी फाइल को ओपन करोगे तो वहां पे आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा, और जो आप न्यू डेटा ऐड करोगे वो क्या होगा, पुराने डेटा के एंड से क्या ऐड हो जाएगा। ओके, टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट F1 वी यूज, अगर हमें क्या करनी है, फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन को रीड करना है, और फाइल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, F1, हम क्या यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन यूज यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फाइल हैंडल F1.readline। ओके, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, F1.readline। readline फंक्शन का क्या यूज होता है, इट रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल, एक बार में ये एक कंप्लीट लाइन को रीड करती है। ओके, कहां तक, जब तक कि उसे न्यू लाइन करेक्टर नहीं मिल जाता। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यू लाइन का करेक्टर यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन, ओके, नाउ एंड ऑफ द लाइन। ओके, तो F1.readline फंक्शन क्या करता है, 1 by 1 लाइंस को रीड करता है। तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन रीड करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, F1.readline फंक्शन। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ इट डजंट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स, अगर आप किसी फाइल को रीडिंग मोड रीड मोड में ओपन करते हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। ओके, क्योंकि आपने रीड मोड में ओपन किया है, उस अगर फाइल है ही नहीं तो आप क्या रीड करोगे, फाइन। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ट्रू है। नाउ नेक्स्ट, When you open a file for writing, if the file doesn't exist, a new file is created. जब आप write mode में file को open करते हो और file पहले से present नहीं होती तो एक new file open हो जाती है जिसमें आप data को write कर सकते हो, ये भी correct है। Okay, अगर आप writing mode में open करते हो, file पहले से exist नहीं करती तो क्या होता है, new file, जो भी आप name लिखते हो उस name से एक file create हो जाती है। सेकेंड भी आपका ट्रू है। नाउ व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल एग्जिस्ट द एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट इज ओवररिटन, अगर आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो और उस फाइल में ऑलरेडी डेटा है तो क्या होता है, न्यू डेटा से पुराना डेटा ओवरराइट हो जाता है, मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाता है और न्यू डेटा उस फाइल में स्टोर हो जाता है। ओके, तो हमारा सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ही ट्रू है, तो हम क्या चूज करेंगे, ऑल ऑफ दीज, राइट। Now, a file maintains a dash which tells the current position in the file where writing or reading will take place. File क्या maintain करती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी current position क्या है। तो यहाँ पे हमारा answer है file pointer. A file maintains a file pointer. File pointer एक क्या होता है, ये आपका file pointer होता है। ओके, कर्सर विच टेल्स द करेंट पोजीशन, जो आपको फाइल की करेंट पोजीशन बताता है कि कहां पर है, अब आप कहां से रीडिंग कर सकते हो, कहां से आप राइटिंग कर सकते हो। ओके, द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज, अगर आप फाइल को ओपन करते हो और आप कोई भी मोड नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में फाइल आपकी ओपन होती है, आपकी फाइल ओपन होती है रीड मोड में। ओके, अगर आपने कोई भी फाइल मोड एक्सेस ओपन फाइल ओपन मोड नहीं डिफाइन किया है कि किस मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होती है, सो दैट यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, राइट। इन फाइल हैंडलिंग व्हाट डज आर एंड ए मीन, फाइल हैंडलिंग जब आप करते हो तो ये जो फाइल एक्सेस मोड्स दिए हुए हैं उसमें आर और ए का क्या मीनिंग होता है, तो हमारा आर का मीनिंग होता है रीड एंड ए का मीनिंग होता है अपेंड। रीड मतलब रीड डेटा एंड अपेंड मीन्स ज्वाइन डेटा फ्रॉम द लास्ट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। ओके, नाउ विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ फाइल, आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो, स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग
को फाइल में लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए। मतलब आपके पास क्या है, डेटा किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है, और लिस्ट में डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं राइट लाइंस फंक्शन का, ओके, और यू कैन से राइट लाइंस मेथड का। वो क्या करता है, इट राइट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट टू द फाइल। ये क्या करता है, लिस्ट के जो आइटम्स है, मतलब लिस्ट में जो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं उसको फाइल के अंदर राइट करता है, ओके। इट राइट्स ऑल स्ट्रिंग इन द लिस्ट एज लाइंस टू द फाइल। और जो ये स्ट्रिंग्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, वो फाइल्स में स्टोर होते हैं एज लाइंस, ओके। वन स्ट्रिंग एज वन लाइन, सेकंड स्ट्रिंग एज सेकंड लाइन, लाइक दिस, ओके। एवरी फाइल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद इट, विच इज नोन एज। जितनी भी फाइल्स होती है उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, मीन्स वो किस टाइप की फाइल है, लाइक वो MP4 फाइल है, ओके, वो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, या वो PPT है, या वो टेक्स्ट फाइल है, राइट, या वो डॉक्यूमेंट फाइल है, ओके, HTML फाइल है। तो ये कैसे पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है, वो हमें पता चलता है उसकी एक्सटेंशन से, कि वो किस टाइप की फाइल है, .txt फाइल है, या .dat फाइल है, बाइनरी फाइल है, राइट, ये हमें किसी चलता है एक्सटेंशन से। नाउ EOL स्टैंड्स फॉर, EOL क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, राइट, एंड ऑफ लाइन, इसका हम यूज करते हैं EOL करेक्टर, एंड ऑफ लाइन करेक्टर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स अलाउज टू स्टोर लार्ज डेटा फाइल्स इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये मैंने अभी बताया था, अगर आपको लार्ज डेटा फाइल स्टोर करनी है तो आप किस टाइप की फाइल्स का यूज करते हो, आप यूज करते हो बाइनरी फाइल्स का, जिसके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते कर सकते हो। इसलिए हमारी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स किस फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी फाइल्स में स्टोर होती है, ओके। इन F इक्वल्स टू ओपन माई फाइल .txt। यहाँ पे F क्या है, आपका फाइल हैंडल। नेम ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल हैंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, और यू कैन से फाइल हैंडल क्या है, F है, राइट। ये क्या होता है, ये आप इस पर्टिकुलर जो फाइल हैंडल होता है वो फाइल से लिंक हो जाता है। तो आप फाइल से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हमें करने हैं वो हम फाइल हैंडल की हेल्प से कर सकते हैं, लाइक फाइल डॉट एफ डॉट क्लोज से आप फाइल को क्लोज कर सकते हो, राइट, और भी आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हो बाय यूजिंग द फाइल हैंडल, ओके। नाउ डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर इन पाइथन, जो पाइथन में एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज किया जाता है, वो डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर क्या है, आपका न्यू लाइन करेक्टर, ओके। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू बिफोर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन ऑन अ टेक्स्ट फाइल। आपको टेक्स्ट फाइल पे कोई भी फंक्शन करने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होता है, तभी आप फंक्शन कर सकते हो जो भी आपको इसके ऊपर करना है, राइट, रीड राइट अपेंड, जो भी फंक्शन करना है उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू ओपन द फाइल। What is a file object? File object क्या है? File object अभी मैंने आपको बताया था, it is a link to the file and by using the file object you can perform different functions on the file, okay? तो यहाँ पे आपका कौन सा option correct है? It serves as a link to the file. File object क्या है? Link है file से जो आप create करते हो, okay? Now next we have, What does the prefix r in front of a string do? Prefix r हम कब लगाते हैं? जब हम चाहते हैं कि हम जो एड्रेस दे रहे हैं फाइल का, उसके अंदर हमें क्या करना पड़े, हम सिंगल स्लैश का यूज करें, मतलब जो ओरिजिनल जो उसका URL या पाथ होता है उसका यूज करें, डबल स्लैश हमें ना लगाना पड़े। तो हम क्या करते हैं, पाथ के आगे हम लगा देते हैं r, फाइन, पाथ के आगे आप क्या लगा देते हो, आर। तो आर से क्या होता है, आर इट मेक्स द स्ट्रिंग अ रो स्ट्रिंग। ये एड्रेस में जो जो स्ट्रिंग आता है उसको रो स्ट्रिंग बना देता है। जैसे हम डबल स्लैश क्यों लगाते थे, जैसे आप अगर स्लैश टी लिख रहे हो, टी से आपका कुछ नेम है तो क्या हो जाएगा, उसे टैब कंसीडर कर देगा, स्लैश एन को ये न्यू लाइन करेक्टर कंसीडर कर देगा। तो यहाँ पे वो इसको कोई भी करेक्टर कंसीडर ना करे, इसको एक सिंपल रो स्ट्रिंग कंसीडर करे जहां पे किसी भी करेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, ओके। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, कहां पे, पास से पहले, ओके। तो ये क्या बना देता है, इट मेक्स द स्ट्रिंग अ रो स्ट्रिंग, फाइन। नाउ अ फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, फाइल ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है, फाइल हैंडल, राइट।
विच इज नॉट अ करेक्ट फाइल मोड फॉर टेक्स्ट फाइल. यहाँ पे बताना कि कौन सा मोड करेक्ट नहीं है. ओके तो आपका कौन सा मोड करेक्ट नहीं. यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा ए. ए क्या होता है अपेंड मोड. इट ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड जहाँ पे आप डेटा को अपेंड कर सकते हो. राइट सेकंड क्या है आपका ए आर. ए आर क्या है कोई भी फाइल एक्सेस मोड नहीं है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था विच इज नॉट अ करेक्ट फाइल मोड. तो ये करेक्ट नहीं है. ए से आप अपेंड करते हो राइट और ए प्लस से क्या करते हो आप क्या करते हो ओपन फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड. ए प्लस का क्या मतलब है आप फाइल को रीड प्लस अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो. आप रीड भी कर सकते हो डेटा को और डेटा को अपेंड भी कर सकते हो. ओके एंड आर प्लस का जो आपका मोड है उसका क्या मीनिंग है. यू कैन ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड. आप डेटा को रीड भी कर सकते हो फाइल से और राइट भी कर सकते हो उसके अंदर डेटा. फाइन तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ए आर. नाउ हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट एंड रीड मोड. आप टेक्स्ट फाइल को राइट एंड रीड मोड में कैसे ओपन करोगे. तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आर प्लस. राइट तो ये क्या करेगा आपकी फाइल को ओपन करेगा रीड एंड राइट मोड में. ओके ए प्लस का मैंने बता दिया था अपेंड एंड रीड मोड में ओपन करता है. डब्ल्यू आर का कोई मीनिंग है नहीं. एंड डब्ल्यू बी क्या होता है बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा. तो आपको अगर टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट मोड में ओपन करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस मोड है आर प्लस. नाउ सिंटेक्स ऑफ क्लोजिंग अ फाइल. फाइल को अगर आपको क्लोज करना है तो क्या सिंटेक्स है. तो आपके पास है फाइल हैंडल और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन दिस वन. ओके फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन. तो कोई भी फाइल हैंडल मान लो फाइल हैंडल आपका एफ है तो एफ डॉट क्लोज. फाइन विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रीड फ्रॉम फाइल्स. इनमें से कौन सा मेथड है जो फाइल में से रीड डेटा नहीं करता है. तो सबसे पहले हमारे पास है रीड फंक्शन. रीड फंक्शन का यूज किया जाता है फाइल से डेटा को रीड करने के लिए. ओके अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स पास करते हो तो उतने बाइट्स आपके पास आ जाते हैं. अगर आपने 10 बाइट्स पास किया तो 10 बाइट्स ये रीड करके दिखा देगा. अगर आपने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो ये कंप्लीट फाइल रीड करके शो कर देगा राइट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. ओके नेक्स्ट हमारे पास है रीड लाइन्स. राइट रीड लाइन्स क्या करता है इट रीड्स ऑल द लाइन्स. जितनी भी लाइन्स होती है उनको रीड कर लेता है एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलोंग विद द न्यू लाइन एज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट. राइट तो ये क्या करेगा पूरी फाइल को रीड करके उसको किस फॉर्म में आपको शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ. जितनी भी लाइन्स होंगी वो क्या बन जाएंगी एलिमेंट्स बन जाएंगी किसकी लिस्ट की. लिस्ट एलिमेंट्स की फॉर्म में आपको शो कर देगा. ओके एक डी ऑप्शन क्या है आपका रीड लाइन. रीड लाइन फंक्शन क्या करता है एक टाइम पर एक लाइन को रीड करता है. अगर आपको उस लाइन में से कुछ बाइट्स को रीड कराना है तो वो नंबर ऑफ बाइट्स आप इसके अंदर पास कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास रीड रीड लाइन एंड रीड लाइन फंक्शन का की हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है रीड लाइन्स और फाइल नेम ये क्या है ये इनवैलिड मेथड है. इस ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं रीड करने के लिए. ओके तो क्वेश्चन था विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रीड फ्रॉम फाइल. तो यहाँ पे हमारा है रीड लाइन्स फाइल नेम. ओके नाउ रीड लाइन्स गिव्स द आउटपुट एस. अभी मैंने आपको बताया जो रीड लाइन्स फंक्शन होता है पूरी फाइल को रीड करता है और किस फॉर्म में आपको आउटपुट देता है लिस्ट की फॉर्म में आपको आउटपुट देता है. जहां पे जो फाइल की जो लाइन्स होती हैं वो क्या बन जाती है लिस्ट एलिमेंट बन जाती है. नाउ व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट व्हाट मेथड इज बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल इन टू अ सिंगल स्ट्रिंग. जब आप फाइल को रीड कर रहे हो फाइल ऑब्जेक्ट से तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे जो पूरी फाइल को रीड कर ले एक बार में इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रिंग. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रीड फंक्शन जो फाइल को रीड कर कंप्लीटली फाइल को रीड कर देता है एज अ सिंगल स्ट्रिंग. ओके Which function breaks the link of file object and the file on the disk? कौन सा function आप use करते हो क्या करने के लिए file object का link break करने के लिए. Okay and file को close करने के लिए. Right? Which function breaks the link of file object and the file on the disk? कौन से function का आप use करोगे. तो यहाँ पे हम close function का use करते हैं. Close function की help से आप क्या कर सकते हो file handle का और you can say file object का file के साथ link break कर सकते हो. Right? Okay? Now, so that जो अभी
फाइल हैंडल है वो किसी और फाइल के लिए यूज हो सके, राइट। नाउ थर्ड यहाँ पे विच मोड इज यूज टू रिटेन इट्स प्रीवियस डेटा एंड अलाइन टू एड न्यू डेटा, कौन सा मोड आप यूज करते हो जिससे कि आपका डेटा ओवरराइट ना हो, वो रिटेन हो, राइट, वो रहे और आप उसमें न्यू डेटा भी एड कर सको। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड में आपका डेटा ओवरराइट नहीं होता है और आप न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हो, राइट। नाउ विच फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन द डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर, आप कौन से फंक्शन की हेल्प से डेटा को बफर, जो डेटा बफर में स्टोर होता है उसको डिस्क पर स्टोर करवा सकते हो। जब आप फाइल में डेटा राइट करते हो तो डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर नहीं होता है, वो पहले कहाँ स्टोर होता है, बफर में स्टोर होता है, ओके। लेटर ऑन जब आप फाइल को क्लोज कर देते हो तब वो बफर से कहाँ जाके स्टोर होता है, डिस्क में जाके स्टोर होता है। तो अगर आप पहले चाहते हो, क्लोज फंक्शन से पहले ही चाहते हो कि पूरा डेटा बफर से निकल के डिस्क में स्टोर हो जाए, तो इसके लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, इसके लिए आप फंक्शन का स्टोर आप फ्लश फंक्शन का यूज करोगे। फ्लश फंक्शन के हेल्प से जो बफर का डेटा होता है वो डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है, फाइन। और अगर आप बफर फ्लश फंक्शन का यूज नहीं करते हो तो डेटा क्या रहता है, बफर में ही रहता है, अगर आप जब तक फाइल क्लोज नहीं होती है तब तक, ओके। सिंटेक्स फॉर फ्लश फंक्शन इज, फ्लश फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, फ्लश फंक्शन का सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश, राइट, ओके, योर सी ऑप्शन, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश। यहाँ पे जो अगर फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल आपका एफ है तो आप लिखोगे एफ डॉट फ्लश फंक्शन, फाइन। नाउ विच फंक्शन रिटर्न्स द एंटायर कंटेंट इन अ लिस्ट वेयर ईच लाइन इज वन आइटम ऑफ द लिस्ट, ये मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा फंक्शन आपका क्या करता है, डेटा रीड करता है, ओके, किस फॉर्म में आपके पास डेटा आता है, लिस्ट की फॉर्म में, जहां पे फाइल्स की जो लाइंस होती हैं वो लिस्ट कंटेंट की फॉर्म में आपके पास रीड होके आती हैं। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन ऐसा करता है, ये आपका करता है रीड लाइंस, राइट। फिर से देखो विच फंक्शन रिटर्न्स द एंटायर कंटेंट, एंटायर फाइल कंटेंट इन अ लिस्ट, पूरी फाइल का कंटेंट किस फॉर्म में आपके पास आता है, लिस्ट की फॉर्म में, जहां पे क्या है, ईच लाइन इज वन आइटम ऑफ द लिस्ट, जो फाइल्स की जितनी भी लाइंस होती हैं वो लिस्ट आइटम्स बन जाती हैं, ये बन जाएगा आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, लाइक दिस, ओके। द पोजिशन ऑफ ए फाइल पॉइंटर इज गवर्न बाय द, आपके फाइल पॉइंटर की पोजिशन कौन डिसाइड करता है, आपका फाइल मोड डिसाइड करता है, फाइन। अगर आपका रीड मोड में आप ओपन कर रहे हो या राइट मोड में ओपन कर रहे हो तो कहाँ पे पॉइंटर होगा, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके, एट द पोजिशन जीरो, बिगनिंग को जीरो पोजिशन बोलते हैं, राइट। या फिर अपेंड मोड में अगर ओपन करें तो कहाँ पे होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल, ओके, एंड ऑफ द फाइल होगा, जहां से आप डेटा को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इन विच मोड द फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी, अदरवाइज पाइथन रेजेस एन एरर, किस मोड में फाइल का होना जरूरी है, एग्जिस्ट होना जरूरी है, नहीं तो पाइथन क्या करता है, एरर रेज करता है। तो हमारा ये मोड है रीड मोड, अगर हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगी, बिकॉज आप क्या रीड करोगे, अगर फाइल नहीं है तो व्हाट विल यू रीड, राइट, ओके। नाउ इन विच मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन फाइल इज क्रिएटेड, आप किस मोड में ओपन करोगे फाइल में, फाइल को, कि अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाए, एरर ना आए पर वो क्रिएट हो जाए, तो वो कौन सा मोड होता है, वो होता है राइट मोड। रीड मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो एरर आ जाएगी, पर अगर आप राइट मोड में ओपन कर रहे हो और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो उस नेम से, जो भी आपने नेम दिया है, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, फाइन, उस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ, राइट, ओके। नाउ इन विच फॉर्मेट डज द रीड फंक्शन गिव द आउटपुट, आउटपुट किस फॉर्मेट में, रीड फंक्शन आपको किस फॉर्मेट में देता है आउटपुट, वो आपको देता है स्ट्रिंग फॉर्म में, ओके, जो भी डेटा रीड करता है किस फॉर्म में रीड करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। Which function is used to write a list of strings in a file? आप कौन से function का use करते हो जब आपको कोई iterable object क्या करना है, write करना है file के अंदर, list of string या list of tuples या dictionary आपको क्या करना है file के अंदर अगर write करनी है तो आप कौन से function का use करोगे, तो आप use करोगे write lines function का, okay? ये क्या करता है, it writes item of the list to the file, ये list के items को file के अंदर write करता है, okay? तो यहाँ पे हम write
guidelines function का use करेंगे. Which function is used to write all the characters? एक बार में आप सारे के सारे characters जो भी आपने दिया है, जो भी string दी है, वो write हो जाए, तो आप कौन से function का use करोगे? आप use करोगे write function का, okay? It takes a string as an argument. ये as आपके इसके अंदर जो भी string pass करोगे, वो कहाँ पे जाके store हो जाएगी? वो कहाँ पे जाके write हो जाएगी? वो file में write हो जाएगी. ओके, समटाइम्स द लास्ट लैप ऑफ डेटा रिमेन्स इन द बफर. समटाइम्स क्या होता है, आपका डेटा बफर में ही रह जाता है एंड इज नॉट पुश्ड ऑन टू डिस्क, और डिस्क के अंदर स्टोरेज में जाके वो स्टोर नहीं होता है. ओके, अंटिल अ डैश ऑपरेशन इज परफॉर्म. कब तक आपका डेटा बफर में रहता है? जब तक कि आप क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो. आप फाइल हैंडल के साथ क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो, तब तक आपका डेटा राइट नहीं होता है फाइल में. जब आप क्लोज फंक्शन का यूज करते हो, तो जितना भी डेटा बफर में होता है वो राइट हो जाता है आपकी फाइल में, और यू कैन सी वो स्टोर हो जाता है जहां पे भी आप उसको स्टोर कर रहे हो. फाइन, नाउ इन एफ इक्वल्स टू ओपन. ओके, यहाँ पे हम ओपन फंक्शन में क्या करें, फाइल को ओपन करें जिसका नेम है डेटा डॉट टी एस टी. आर रेफर्स टू, आर हमारा क्या है, हमारा है फाइल मोड. ओके, कि आप किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हो, रीड मोड में, तो आर क्या है, रीड मोड है. फाइन, आप इसको एक्सेस मोड भी कहते हो. ओके, नाउ विच फाइल कैन ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. वो कौन सी फाइल्स होती है जिन्हें आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो और जो ह्यूमन रीडेबल होती है? तो वो हमारी होती है टेक्स्ट फाइल्स, राइट. टेक्स्ट फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल. ओके एवरीवन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर.